सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में आज हम हैं मेट्रो रेल परियोजना के विस्थापितों का, जो यहां पर तोड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसके जरिए जिस परियोजना के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाना है, उसे चौड़ा किया जाना है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। कुछ विस्थापितों की कुछ शिकायतें हैं, हम उनके बीच में हैं। सारा समय मुंबई के कल लाइव कार्यक्रम में भी हमने काफ़ी कुछ दिखाया था, बहुत से लोगों की भावनाएं दिखाई थी, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, उनके बाद बात करने के लिए आए हैं। ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और खुद व्यापारी अपनी दुकानों को तोड़ रहे हैं। मकानों की बात थी, मकान उन्हें उसके बदले में दुकान दी जा रही है। जब बात मकानों की आती है, रिहायशी जगह की आती है, तो थोड़ा सा लोग उसमें भावनात्मक रूप से जुड़कर और उड़बे की खातिर बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन जब बात कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की आती है, कमर्शियल दुकानों की आती है, तो नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है। आप देख सकते हैं कि दुकानें ज़्यादा इसमें मेन रोड होने की वजह से दुकानें ज़्यादा थी और दुकानों की वजह से उनके विस्थापना करने में, उन्हें विस्थापित किए जाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक की गुंजाइश सरकार छोड़ जा रही है और इसको लेकर व्यापारियों में नाराज़गी है, यहाँ के स्थानीय नेताओं में नाराज़गी है। उसी विषय पर हम बात करने के लिए इन सभी लोगों के साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पहली बात। दूसरी चीज़, आप लोगों की शिकायतें, प्रभाकर जी शुरुआत आपसे करते हैं कि यहाँ के लोगों को, पहले तो ये प्रोजेक्ट है मेट्रो रेल परियोजना का, ये यहाँ से निकल कर जाना है और रेल यहाँ से गुजरनी है, इस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब कई शिवसेना के लोग नेता उतरे इस मामले में विरोध करने के लिए, और योजना का विरोध नहीं है लेकिन उसके पुनर्वसन का जो मामला है उस पर है विरोध। तो ये मामला क्या है पूरा? सबसे पहले तो सहारा के माध्यम से सलमान जी, आपको और सहारा की पूरी टीम को हम बहुत बधाई देते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसे बेसहारा लोगों की मुश्किलें होती है, आज हम लोग बेसहारा हो रहे हैं, यहाँ के लोग बेसहारा हो रहे हैं, वहाँ पर आपका चैनल सहारा समय जाके इन लोगों को सहारा दे रहा है, उसलिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। उसी के साथ में यहाँ पर जो विविध पार्टियों ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन पुनर्वसन का जो मसला है उसके विषय में कई बार जो MMRDA के आयुक्त है उनके साथ में यहाँ के व्यापारियों ने 10-10, 12-12 बार मीटिंग की, यहाँ के विधायक ने और कई जनप्रतिनिधियों ने उनके साथ में बैठक की। उस बैठक में उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको भांडुप के मॉल में शिफ्टिंग देंगे, लेकिन अभी तक इस पूरे अंधेरी से घाटकों पर का जो ये रोड का जो वाइंडिंग वर्क चालू है, आज आप देख रहे हैं कि लोग अपने हाथों से यहाँ पर तोड़ रहे हैं। यहाँ पर 25 साल से उन्होंने अपना धंधा पानी बैठाया, लेकिन आज इनको कहीं अच्छे जगह पे बैठाने के लिए कोई भी पुनर्वसन की सिर्फ आश्वासन कागजों पे दी जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हम आपको भांडुप के मॉल में देंगे या अच्छी जगह पर देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी एक व्यापारी को अच्छे जगह पर पुनर्वसन नहीं हुआ है। यहाँ के व्यापारी जो सरकार ये करे डेवलपमेंट का जो काम है, उस डेवलपमेंट में यहाँ के व्यापारियों का या रहवासियों का विरोध नहीं है, डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने आज 25-30 साल यहाँ बैठकर, ये जंगल था, साकिना का इलाका, ये जंगल था, इस जंगल को इन व्यापारियों में डेवलप किया, और आज डेवलपमेंट के नाम पर अगर इन्हीं व्यापारियों को लेके जाके आप दूसरे जंगल में डाल रहे हो, मतलब जिन्होंने 30 साल मेहनत करके इस जगह को आज सोने का कीमत आई है, आज मेट्रो रेल प्रकल्प इस विभाग में जा रहा है, ये जगह को जिन्होंने सोना बनाया, वो जिन व्यापारियों ने इस जगह को सोना बनाया उनको लेके जाके आज फिर एक बड़े जंगल में डाल रहे हो, ताकि उनकी जो लाइफ है 50 साल 40 साल 50 साल हम लोगों को यहाँ के लोगों को हुआ, और फिर 50 साल उनको आप पीछे डाल रहे हो, यही डेवलपमेंट है क्या? यही डेवलपमेंट है क्या 25-30 साल से? आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ अंधेरी से आने वाला ये घाटकों पर का रास्ता, जहाँ पर गाड़ियाँ रेंगती हुई चलती है, यानी कितने व्यस्त सड़क है, और दुकानें मुख्य रोड पर हैं, एकदम मेन रोड पर दुकानें हैं, यानी इनकी कीमतें आसमान को छू रही थी, लेकिन उसके बाद में जब अगर पुनर्वसन की बात आई तो पुनर्विस्थापित किए जाने से पहले ही बहुत सारे इनको नोटिसेस दिए गए, तोड़ने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सही तरीके से जो इनकी डिमांड थी उसके आधार पर, जो आश्वासन दिए गए थे उसके आधार पर उनको नहीं मिल रहा है, और यही यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं। हमारी जो बात है वो आप सरकार तक पहुँचा रहे हो, मैं ये तह दिल से कहता हूँ कि इस जगह को हमने हमारे खून पसीने से सींचा, और आज जो लोगों की समस्या आ रही है, घर से बेघर कर रहे हैं, मतलब दुकानदार जो आज यहाँ पर करीब कम से कम 25-30 लाख की एक एक दुकान है, और जो उधर शिफ्टिंग दिया था टाटा नगर में, वो दुकान 50,000 के लायक भी नहीं है, पैसेज के अंदर उन्होंने शटर लगाया और वहाँ पर उनको लिख करके अपने हाथों से दे दिया कि तुमको उधर अलाटमेंट देता है, जबकि वो कुछ भी काम की नहीं है वो जगह। उसके बाद हम लोग ने आंदोलन किया संजय निरुपम जी के नेतृत्व में, उसके बाद हमारे स्थानीय विधायक श्री आरिफ मोहम्मद नसीम खान जी के नेतृत्व में, और स्थानीय नगर सेवक सीताराम तिवारी भरतमते, इनको लेकर के हम रत्नाकर जी गायकवाड़ के सामने मीटिंग में बैठे, उन्होंने मिनट लिखा
कि आप जितना भी विस्थापित यहाँ पर परिवार है, दुकानदार कमर्शियल जो लैंड है उनको बांडूप मॉल में और मुलुंड मॉल के अंदर देंगे। बांडूप के अंदर 237 दुकानें थी, उसमें से बोला कि 50% आपको देंगे, 50% LBS वालों के लिए रखेंगे। वहाँ पर संजय पाटिल करके विधायक है, उन्होंने बोला कि हमारे लोगों के लिए भी यहाँ बाजू में उनके लिए जगह चाहिए, तो 118 दुकानें हमारे लिए रिजर्व रखी है अंधेरी घाट को बिल्डिंग रोड के लिए, और 117 दुकानें 177 दुकानें बांडूप के मुलुंड के अंदर है। तो सबको मिलाकर के हम इतने परिवार है कि 230-235 लोग जो 100% बाधित है उन लोग को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मतलब इतने इतनी इतनी दुकानें वहाँ पर उपलब्ध हैं क्या, सभी लोगों को मिल जाएगी? इतनी दुकानें उपलब्ध है, लेकिन कुछ MMRD में भ्रष्टाचार के लोग वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी लोग, उन्होंने नीचे के लोगों ने बोला कि तुम लोग 60 लोगों को हम उधर देंगे, बाकी के लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, जबकि दुकानें सब खाली पड़ी है। मैं आपके इस सारा के माध्यम से MMRD को चेताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम बाल बच्चे के सामने, बच्चे लोग और औरत लोगों के सामने बैठ करके आत्महत्या करेंगे। जो भी जहां तक जाना पड़े वहां तक हम लोग जाकर के किसी भी कीमत के ऊपर इस रोड के लिए विस्थापित जगह नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, मंत्रालय के सामने जाकर के आत्मदाह करेंगे। ये मेरी खुली चेतावनी है सरकार की, और चेतावनी सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई और जो आश्वासन दिए गए और उस पर खरे नहीं उतरे तो आत्महत्या करने से भी लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आप लोग की भी दुकानें वहां पर हैं जी? मैं हम लोग अंधेरी घाट के ऊपर लिंक रोड के एक पुनर्वसन समिति बनाए हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा आंदोलन लगातार चल रहा है। जो दुकानें हैं जिस पर बात हो रही थी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों की बातें पहुंचाई जा रही है, जो वहां पर दुकानें हैं जितनी ये बता रहे हैं उतनी दुकानें उपलब्ध है, इतने लोग वहाँ सेट हो सकते हैं? बिल्कुल उपलब्ध है, क्योंकि MC के सामने जब मीटिंग हुई थी माननीय संजय निरुपम के साथ में, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि इतनी दुकानें हमारे पास हैं और देंगे, और बाद में माननीय नसीम खान जी के साथ में मीटिंग उसमें भी बताया गया कि इतनी दुकानें हैं और देने की बात की गई। उसके बाद टालो मटोल ये किया जा रहा है कि अधिकारी जो सूर्यवंशी मैडम है वहाँ पर, वो लगातार टाल मटोल करके इस पूरे मसले को दबाना चाहती है और हम व्यापारियों में फूट डालना चाहती है। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम व्यापारी फूटेंगे नहीं, आप नहीं देंगे तो हम ताला चाबी दुकान पर जाकर मंत्रालय में छोड़ के आ जाएंगे। 4-6 महीने से ये आंदोलन चला रहे हैं MMRD के, जो खास करके उनकी नीतियों के खिलाफ। मैं कुल मिला के जो सरकारी जो पॉलिसी और नीतियां हैं इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। सरकारी पॉलिसियां डेवलपमेंट चाहती है, मगर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ के लोगों को पुनर्वसन व्यवस्थित ना करते हुए ठीक से उनको कुचलना चाहती है। ये कहाँ की नीतियाँ है हमको तो अभी तक समझ में नहीं आ रही है, राज्य सरकार की कुल मिला के नीतियाँ। डेवलपमेंट आखिर हमारे कब्र के ऊपर अगर वो लोग बनाना चाहते हैं चंद लोगों के, इस पूरी मुंबई के सुख सुविधाओं के लिए, तो ये गलत है, क्योंकि उन लोगों का जो हानि हो रहा है उनको कहीं ना कहीं ठीक ढंग से पुनर्वसन पहला होना चाहिए। पुनर्वसन के लिए वो लोग कहते हैं कि हमने पुनर्वसन, चाहे वो मानखुर्द हो चाहे टाटा नगर हो, ऐसी जगह पर जहां वो लोग बता देते हैं तो वो तो कागजों पर तो दिखाई दे रहे हैं कि हम पुनर्वसन कर रहे हैं, आपका आपको दुकानें दे रहे हैं, तो आपका और उनके बीच का विरोध शायद वही है कि इंपॉर्टेंस को लेके, जगह इंपॉर्टेंट हो, या जैसा प्रभाकर जी कह रहे हैं कि एक जंगल से निकाल कर दूसरे जंगल में भेज रहे हैं। मूल मुद्दा ऐसा है कि जब आप डेवलपमेंट का प्लान लाते हो वहाँ के पुनर्वसन का भी प्लान उसी वक्त लेके आना चाहिए। आप डेवलपमेंट के प्लान लेके आते हो, बाद में किसी को कहीं पर भी कुचल कर फेंकते हो, ये पूरी नीतियाँ ही गलत है। अगर कहीं पर भी डेवलपमेंट होता है वो लोगों का उद्धार के लिए होता है, अगर लोगों का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए अगर वो नीतियाँ नहीं है तो वो बिल्कुल मूल से ही गलत है, वो डेवलपमेंट की नीतियां ही गलत है। अगर इस तरह की नीतियां अगर रहेगी इस पूरे मुंबई में, इसका विरोध धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और इसका कहीं ना कहीं एक चेन बनेगा और इस सरकार को और इसकी पूरी नीतियों के खिलाफ, इस खास करके इस MMRD की नीतियों के खिलाफ लोग इधर बगावत कर बैठेंगे। इसका क्या नतीजा आगे निकलेगा ये तो मैं आज नहीं कह सकता हूँ, मगर आने वाले दिनों में ये दिखेगा, क्योंकि रोज नए नए प्रकल्प इनके आ रहे हैं। इसका तो मैं पॉलिसी से इनका विरोध कर रहा हूँ। आने वाले किसी भी पॉलिसी से पहले, जैसा कि उंगली उठाई जा रही है सरकार की कि अगर आपको पुनर्वसन करना है, आपको कोई विकास कार्य करना है, उससे पहले पुनर्वसन नीति तय हो जानी चाहिए थी। उनके लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ उनकी दुकानें होंगी, कहाँ उनके मकान होंगे, ये तय होने के बाद ही पुनर्वसन का विकास का कार्य होना चाहिए। लेकिन विकास के कार्य के झोंक में अचानक कार्रवाई की जाती है और फिर प्रताड़ित होते हैं ऐसे लोग और फिर उनमें नाराजगी आती है। ये खबर देख लेते हैं, अभी भी इनसे बात करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, अपना चेहरा भी जारी है। यह है क्लेश मिश्रा, जो कुछ महीनों पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, वो आज थोड़ा ही सही लेकिन बैसाखी के सहारे चल लेते हैं। यह चमत्कार कर दिखाया है बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी ने। पर्टिकुलर केस में पेशेंट को बहुत फायदा हुआ, हम लोग काफी मेहनत करके जो ऑपरेशन किया
नस को ढीला करके उनको उनके जो हड्डी रीढ़ की हड्डी है उसको स्थिरता दी। ये बहुत यूनिक सिचुएशन है। गौरतलब है कि अखिलेश मिश्रा की रीढ़ की हड्डी में टीबी जैसी भयानक बीमारी ने घर कर लिया था। कई जगहों पर इलाज करने और उसमें मिली नाकामयाबी के बाद मिश्रा को राहत मिली बॉम्बे अस्पताल में। डॉक्टर कुलकर्णी ने मिश्रा की रीढ़ की हड्डियों में गले से लेकर पसली तक मेटल स्क्रू के सहारे रॉड डालकर एक अद्भुत चमत्कार कर दिखाया है। वैसे यह प्रयोग मुंबई में पहली बार किया गया और डॉक्टर को सफलता भी हासिल हुई। हॉस्पिटल घूमने के बाद जब ऐसा लगा, आशा टूट गई कि अब ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने कुलकर्णी डॉक्टर साहब से संपर्क किया। अरविंद कुलकर्णी जी के हाथों द्वारा मेरा ऑपरेशन, और वो भी आशा छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलिए हम कोशिश करते हैं, और उनकी कोशिश ये रंग लाई कि जो मैं नहीं चल सकता था आज अपने पैरों पर खड़े होकर चलने के योग्य हुआ। जहां बीमारी की वजह से बेजान जीवन जी रहे अखिलेश मिश्रा को अब एक नया जीवन दान मिला है, तो वही बॉम्बे अस्पताल में कई सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी अपनी इस उपलब्धि से काफी खुश हैं। हरीश तिवारी के साथ नीतू सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। हम बात कर रहे हैं मेट्रो रेल परियोजना के विस्थापितों की, जिनका पुनर्विकास किया जाना है, जिनको पुनर्वसित किया जाना है, अलग अलग जगह पर किया जा रहा है, जिसको लेकर उनमें नाराजगी है। कुछ लोगों को तो बताया ही नहीं गया कि अभी कहाँ दिया जाएगा, और तोड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उसे लेकर यहाँ के व्यापारियों में, यहाँ के लोगों में बहुत नाराजगी है। कुछ महिलाएँ भी हमारे साथ में हैं, उनकी बातें नहीं पहुँच पाई हैं, वो भी कुछ बातें कहना चाहती हैं। आप लोग कुछ कहेंगे? हाँ यस, हमको यहाँ विकास नहीं हो रहा, हमारा विनाश हो रहा है, और हमें अच्छी जगह चाहिए, और हमारे करोड़ों रुपए की जगह का हमारा सब कटिंग में जा रहा है। क्यों हमारा, हमको अच्छी जगह दो और हमें अच्छी जगह दो, और हमारी जितनी जगह है उतनी जगह हमें चाहिए, और हम इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हमें ये बताइए, और हमारे बच्चे की स्कूल है अभी, और इन बच्चों को कहाँ, नए दोस्त और नए सब जगह कहाँ करेंगे ये लोग, इनका हमको इसका हमको जवाब दिया, और हमें अच्छी जगह शिफ्टिंग की जाए। ये जगह जो हमको दी गई है, उधर चार बच्चे बोलते हैं कि वॉचमैन बोले यहाँ से छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, इस जगह को कैसे, ये ऐसी जगह हम कहाँ कैसे उस जगह को हम मंजूर करेंगे। आप सहारा समय नहीं है, काम के लिए चांगले है, विकासासाठी चांगले है, पण आम्हाला ज्या ठिकाणी आमचे रूम आहेत, आमचे दुकान आहे, त्याच ठिकाणी शिफ्टिंग पाहिजे। आम्ही गोवंडी चेंबूर लांब जाणार नाही, आमची मुले इथे शाळेला आहे, लहानची मोठी इथे झालेली आहे, त्यामुळे आम्हाला शिफ्टिंग इथेच पाहिजे जवळपास। विकास हो पर होना, हमको ऐसी जगह शिफ्टिंग दे रहे जहाँ हम दिन में भी जाते थे, वो बहुत मैं बोल रहा चार बजे तक आप निकल जाओ, ऐसी अच्छी जगह के सोने जैसी हमारी जगह, जहाँ हमको खाड़े में डाले, छोटे छोटे दो बच्चे, बूढ़े माँ बाप, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे ऐसे में। आज हमारा गुजारा इसी दुकान से हो रहा, अगर ये नहीं रहेगा रोज रोटी हम कहाँ जाएंगे। ऐसी जगह पे हमको दिन में तारे क्या, जानवर भी नहीं घूमते, ऐसी जगह खाड़े में डालेंगे हम लोग कैसे जाएंगे। हमको ऐसी जगह नहीं चाहिए, आपको दो, आप मेट्रो ट्रेन बनाओ, पर हमको अच्छी जगह शिफ्टिंग। अभी शिफ्टिंग का भी हमारा कहीं अलाउड नहीं किया, हमको अच्छी जगह शिफ्टिंग दे, ऐसा भी नहीं बोला कहीं अच्छी जगह दो अच्छी शिफ्टिंग है भी नहीं अभी तक, बताया हमको अच्छी जगह शिफ्टिंग है, खाली दिलासा दिया जा रहा आपको देंगे, पर कौन सी जगह, वो जगह का नाम भी डिक्लेयर नहीं किया कि हमको अच्छी जगह शिफ्टिंग, तो हमको डिक्लेयर भी नहीं देते, हम कैसे बताए। हम 72 साल से इधर रहते हैं, अभी कोई अच्छी जगह मांगता है हमको, बुढ़ा बुढ़े, हमको छोकरे लोग का सहारा नहीं है हमारे छोकरे लोग का, अभी दो बुढ़ा बुढ़ी है, बीमार रहते हैं हमारा, आम ही बीमार रहते हैं, तो दवाखाना ये सब अच्छा मांगता है, उधर जगह अच्छा मांगता है, इधर ही मांगता है हमको। 9 नंबर का तोड़ा है, लेकिन 8 नंबर वालों को अभी तक लेटर भी नहीं दिया कि आपका कितना जा रहा है, कहाँ जगह देंगे, कुछ नहीं दिया हम लोगों को, और हमारा सर इधर ही है, सब दुकान के ऊपर ही हमारा उधर निर्वाह है सबका, दुकानों का गुजर बजर सब यही होना है, और वर्षों से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें बस यही शिकायत है कि उन्हें बता तो दिया जाए और सोने जैसी जगह का जंगल में फिर बहकर फिर वो आबाद करें, और फिर हो सकता है कि कल वहाँ पर भी कोई पुनर्विकास का काम आ जाए और वहाँ से भी हो जाए। आप कुछ तकनीकी बातें बता रहे थे। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, मैं थोड़ा मराठी में बात करूँगा। सलमान जी, हमको ये जो सरकार है, जो हमारी आघाड़ी सरकार, उनको आज जो बात आपने यहाँ पे देखी, जो आज लोग यहाँ से 40 साल से रह रहे, लोगों ने खुद का पैसा लगा के इस जमीन खरीद के खुद ने जो गाले बनवाए,
वो गाले बनवाने के लिए कम से कम उन्होंने जो लागत की ले गई 5 लाख 10 लाख रुपए जो भी गाले के लिए, आज 40 साल से लोग यहाँ पे रह रहे, आज इनका घर इति सरकार हमारी आघाड़ी सरकार सॉरी आघाड़ी सरकार हमारी यहाँ से जो डेवलपमेंट के नाम के नीचे लोग को जो यहाँ से निकाल रही है और निकालने के बाद उनको पुनर्वसन की जगह भी नहीं दे रही। आपने सुना अभी अभी तक किसी को अलाउमेंट भी नहीं किया। दूसरी चीज़ आप बता रहे थे कि और जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो कलेक्टर ऑफिस वाले एक बार उसको पात्र करते तो MMRDA वाले उसको 10 बार चक्कर मारवाते आपका पात्र नहीं है, इसमें कोई पेपर कम है, लोगों को अगर ऐसा मिसगाइड करते तो हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम लोग ने चोरी की इतने साल से हमारा गाला तोड़वा रहे। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ के जो 450 अगर धंधे उड़ गए तो उसके अंदर 450 मालिक और उसके घर के 7-8 प्रतिनिधि, तो ऐसे कम से कम कितने लोग बेघर हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो काम करने वाले 7-8 लेबर है के गाले में वो बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर बेरोजगार होने वाले। तो मैं हमारे ये आघाड़ी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं कि लोगों को रोड पे ला के उनको जर खा के मरने की नौबत ला रहे हैं आप लोग। तो मैं आपको यही विनती करूंगा कि जो गाले में लागत लगी 5 लाख की गालत अगर गाले में लगी तो वहाँ का गाला 2 लाख में भी नहीं बिकता। आप जाओ उनको बोलो MMRDA को कि जो आपने गाला बनवाया 70-80 फुट का गाला दे रहे वो 2 लाख में भी नहीं बिक रहा आज के जाने के बाद, और हमने जो लागत लगा हमारे एंगल जो दुकान से गाले से निकलते पत्रे निकलते उसकी कीमत आज 2-5 लाख रुपए होती, तो ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं आजकल। आप अभी सारा समय का मैं आभारी हूँ कि आप लोग सब जगह जा जाके ऐसे जिनके ऊपर मुसीबत है उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते हैं, कि जिनका छपरा जा रहा है सब छपरे ढूंढने के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ जंगल में मंगल करके रख दिया और फिर जंगल में उठा के फेंक रहे हैं। अच्छी जो अच्छी अच्छी यहाँ की सुविधा है वहाँ पर अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई है तो इसमें बच्चों का आगे का क्या भविष्य होगा मालूम नहीं, लेकिन MMRDA गलत काम कर रही है। MMRDA पर ही टीका टिप्पणी आप कुछ बोल रहे थे। मैं इस लिंक रोड की तरफ से पिछले 3-6 महीने से मैं भगवान से हम लोग इस मतलब मेहनत कर रहे हैं मगर किसी ने सुना। मैं सारा समय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप सारा समय के माध्यम से हमारी इस चीज़ को लोगों की तरफ दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि MMRDA मेट्रो ट्रेन का विकास हो पर हम व्यापारियों का विनाश ना हो। हम यह चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी जगह मुहैया करी जाए न कि उनके कागज के लिखे पर किसी भी अलॉटमेंट को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि विकास के नाम पर देखिए आपने इतने लोगों से बात की गई, विकास का कोई विरोध नहीं कर रहा है लेकिन विकास के रास्ते का जो रास्ता है वो सही हो उसी पर है, नहीं तो एक भाई इस पर आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करते। एक बहन के क्या बोलेंगे अगर हमको अच्छी जगह नहीं मिलेंगे ये लोग बुर्डर जुरे घुमाएंगे हम लोग भी साथ में मरेंगे, मर जाएंगे हम लोग पर इधर से नहीं हटेंगे। अगर बुलडोजर घुमाएंगे बच्चों के साथ में बीबी बच्चों के साथ हम सो जाएंगे तो बुलडोजर नहीं घुमाने देंगे क्योंकि हमको अच्छी जगह दो आप शिफ्टिंग दो। हम ना नहीं बोल रहे आप मेट्रो ट्रेन मत बनाओ, मेट्रो ट्रेन बनाओ पर हमको अच्छी जगह शिफ्टिंग दो, नहीं देंगे अच्छी जगह हम लोग इधर ही मर जाएंगे सोते सोते। पहले तो मैं सहारा समय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी सब पब्लिक की आम जनता की जो आवाज है वो आवाज पूरे देश में यहाँ पर मुंबई वालों को सबको मालूम पड़ रही है और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस माध्यम के जरिए MMRDA को ये कहा जाए कि यहाँ की वैल्यूएशन देखिए, आप जहाँ पर जगह दे रहे हैं उसको आप दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर जो एरिया है जगह है वो लोग 88 स्क्वायर फीट की जगह देते हैं, यहाँ पर 400-400, 500-500, 1000-1000 स्क्वायर फीट की जगह है। आप खुद जाके देखे हैं, आपने अभी वीडियो शूटिंग किया है, ये अधिकारियों को तक जाना चाहिए। यहाँ पर जो मुद्दा उपस्थित हुआ है कि एटलीस्ट हमें अच्छी जगह दीजिए, अच्छी जगह दीजिए, हमें तोड़ने के लिए किसी का विरोध नहीं है। हम वही कह रहे हैं आप लोगों की बात कर पहुंचा रहे हैं कि विकास का कोई विरोध नहीं कर रहा है, इतने लोग बात कर रहे हैं लेकिन विकास का कोई विरोध नहीं कर रहा है। बात हो रही है कि आप यहाँ की जगह देख लीजिए और जहाँ उन्हें भेजा जा रहा है वहाँ की जगह देख लीजिए, यहाँ और वहाँ का फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। आप एक जगह था साकीनाका जैसा प्रभाकर जी ने कहा कि यहाँ का पहले जंगल हुआ करता था, यहाँ मंगल किया इन्होंने आबाद किया, यहाँ की दुकानें आबाद हुई और फिर उसके बाद इन्हें कहीं भी विस्थापित कर दिया जाएगा। बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर मॉल बनाए जा रहे हैं, मॉल पर ये भाई कह रहे थे कि मॉल में इतनी दुकानें हैं जो यहाँ के लोगों को शिफ्ट की जा सकती हैं, भांडुप के लोगों को LBS मार के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, आधे आधे पर भी बात हो रही है, तो ज़रूरत अगर इस बात की होती है कि मॉल्स वगैरह में शिफ्ट किया जा सकता है तो सरकार इतनी सक्षम है कि और भी मॉल्स का निर्माण कर सकती है और हो सकता है बहुत कुछ। मैं सबसे पहले तो सारा समय का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके जरिए से लोगों तक हमारी आवाज़ पे पहुँचाई जाए। मैं तो कहता हूँ MMRDA का नाम बदल देना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए मार मार कर रगड़ दो इनको, इनका नाम इस तरह से होना चाहिए
लेकिन इनका काम ही वही है। आज हमारे एक एक दुकान की कीमत 40 से 50 लाख रुपए उसकी कीमत है, जो हमें ऐसी जगह दे रहे हैं जिसकी कीमत 2 लाख की भी इसकी वैल्यू नहीं है। सज्जन और भी कह रहे थे कि 40 लाख की प्रभाकर जी अब जरूरत, अब आप चलते चलते अगर बात की जाए, आप लोग बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, सभी लोगों की जुबान अगर उसको समेट कर अगर एक आदमी इसको व्यक्त करे, लोगों की भावनाएं सरकार तक पहुंचाने की बात करे, तो क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि जिन लोगों ने आज इसको बना के डेवलप किया है, उसी तरीके के डेवलप जगह पर जहां पर लोगों की रोजी रोटी, आज जो आदमी यहां पर अगर 10,000 कमाता है तो जहां पर उसको सरकार देगी वहां उसने 12 कमाना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ये है। और मॉल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं? हाँ, और मॉल्स बनाए जा सकते हैं, सरकार के पास इतनी जगह है। हमारे इस वार्ड में खैरानी रोड की तरफ कई जगहों पे गवर्नमेंट की रिजर्व प्लॉट है। जब हमारी प्राइवेट जगह अगर सरकार ले सकती है तो जो बीएमसी की रिजर्वेशन जगह है वो जगह लेके भी सरकार वहाँ मॉल बना सकती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि ये सरकार एक जगह पे बोलती है कि बेरोजगार को रोजगार दो रोजगार दो, मगर इनकी ये जो सब दुकानें हैं वो सब तोड़ डालेगी तो ये लोग बेचारे किधर जाएंगे? जो थोड़ा कमाते हैं उसमें से थोड़ा खाते तो ये लोग किधर जाएंगे? क्योंकि ये सब लोग एकदम बारीक है। देखो हम से इधर सोसाइटी में रहते हैं, हमारा भी 40 साल से हम लोग रहते हैं, हमारा खुद का हम लोगों का प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने खुद दुकान बांधे थे 11 रूम का, तोड़ डाले, अभी हमको उसका भी कुछ बेनिफिट मिल रहा नहीं रहा है, और 3-4 रूम भी जा रहे हैं, वहाँ भी एक जन का हार्ट अटैक हो गया अभी ये महीने में। मैं बोलती हूँ मैं इसके वजह से हम लोग को जगह भी नहीं मिला, कुछ मिला इतना दुकान लेना, हम लोग खुद कमाएंगे रिटायर होएंगे तो हमको कमाने को भी नहीं दिया, खाने को भी नहीं दिए, अभी क्या खाने का बताओ करके। और इतना अभी घर जा रहा है और एक आदमी अभी 15 दिन हो गया खलास हो गया उसके फिकर से, बताओ हम लोग क्या करें। जिस तरह भांडुप के मुलुंड के जो MLA हैं वो अपनी क्षेत्रों के लिए बहुत उत्सुक हैं कि हमारे किसी व्यक्ति पर और किसी जनप्रतिनिधि पर नहीं, आप MMRDA पर जो उसी तरह हमारे यहाँ के भी जो मतलब है जो MLA हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में उनको डेवलप। आप भी उनसे संपर्क कीजिए, हम भी उनसे कोशिश करें। मूल मुद्दा ऐसा बोलना चाहता हूँ, MUTP का जो गठन हो गया था उसकी जो पॉलिसी थी, जब प्रकल्प ग्रस्त होते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनको देखा जाए, जो यहाँ लोगों के जो कुछ आपको भीड़ में अभी दिखा है, गुस्सा, अस्वस्थता, तमाम चीज़ें, किसकी मौतें, तमाम चीज़ें, इस चीज़ को नज़रअंदाज जानबूझकर MMRDA कर रही है। जब यहाँ पर इंसानों को तुम बदलते हो, कोई जानवरों को बदलते नहीं हो, उठा के कई जगह शिफ्ट करते हो, इनको इनके साथ इंसानों की तरह बर्ताव किया जाए। अगर इंसानों की तरह बर्ताव ना कर सकते हैं तो MMRDA को यही कर दो, बंद ही कर दो आप। और MMRDA के खिलाफ नाराजगी चलते चलते मैं इतना ही बताऊंगा, MMRDA के सामने हमने दो बातें रखी कि जो यहाँ की दुकान है उसके समकक्ष दी जाए, उनको उसके तुलनात्मक दिया जाए, जो रहने वाले हैं उनको आसपास दिया। हमने चांदी वाली में डिमांड किया था ताकि जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनको तकलीफ ना हो, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे बच्चे 15-20 किलोमीटर जाते हैं। हमने कि आपकी तनख्वाह और इनकी तनख्वाह में अंतर है, और हमने दूसरी डिमांड क्या थी? दूसरी डिमांड हम थी कि नज़दीक में दिया जाए, उन्होंने पूनम नगर का अभी उन्हें बताया है, और हमारी दूसरी डिमांड ये है कि अप्रैल तक जब तक बच्चों का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आप शिफ्टिंग ना करें। बाकी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल करके और किस तरह से बात हो सके इसके लिए क्या पहल होनी चाहिए? देखिए अगर ये आत्महत्या तक की बात करते हैं आप मतलब आज मैं पहली बात तो आज का दिन असलपा वालों के लिए बहुत ही पुण्य का दिन है, क्योंकि जो न्यूज सहारा न्यूज आपने हम लोग को जो सहारा दिया है वो हम असलपा के निवासी कभी भूल नहीं पाएंगे। जो हमारी बात आपने वहां तक पहुंचाई है पूरे देश में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो लोगों को बजाय जो दे रहे हैं वो हम किसी भी कीमत के ऊपर अगर भांडुपुर मॉल में नहीं देंगे तो हम यहीं पर बना के लेंगे, इसके सिवाय हम यहाँ के दुकानदार कहीं भी जाने वाले नहीं है। ये हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, हमारी बात आप वहां तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे, ये मुझे आशा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चाहे हमारी आघाड़ी सरकार हो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार तक बात पहुंचाने की बात हो रही है बार बार एक ही चीज, तो उसके बाद हम बच्चे और औरत लोग के साथ में मंत्रालय के साथ में आत्मदाह करेंगे। ये धमकी नहीं समझना, ये हमारा चैलेंज है, हम बाहर जाकर के सभी लोग मिलकर के आत्मदाह करेंगे। प्रभाकर जी, अब लोगों का जो गुस्सा है, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो गुस्सा उसके अंदर से व्यक्त हो रहा है, तो सही में जब आदमी भूखा मरने की नौबत पे रहेगा तब उसको जीने की कोई आस ही नहीं है इस तरीके से। लेकिन आज शुक्ला जी है या बाकी के और भी व्यापारी लोग हैं, इन्होंने मेट्रो रेल यहाँ के सभी लोगों की एक समिति इकट्ठा की है, उस समिति के माध्यम से हर एक तरीके से चाहे आंदोलन हो या आपके जरिए से अगर ये सोई हुई MMRDA अगर जागती है,
क्यों आप जगाने का काम कर रहे हो, बंबई शहर को जगा रहे हो, अगर आपके इस माध्यम से अगर वो जागती और इन लोगों ने जो हम लोगों ने जो मिलकर कमेटी बनाई है उसके माध्यम से खाली पुनर्वसन का जो मसला है वो अगर हल हो जाए तो यहाँ के लोगों का कोई विरोध नहीं रहेगा डेवलपमेंट के लिए विरोध नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, सभी से बात होना मुमकिन नहीं है, लेकिन भावनाएं सभी की एक है, भावनाएं सभी की एक है कि यहाँ की चीज़ यहाँ पर रह जाए, स्थानीय स्तर पर उसकी कीमत देखी जाए, उनका गाला देखा जाए, उनके व्यापार के लिए एक तो स्वरोजगार की बात होती है, स्वरोजगार करने वाले अगर सड़क पर आ जाएंगे और उन्हें उठाकर और कहीं फेंक दिया जाएगा तो उनमें नाराजगी वाजिब है। सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए, एमएमआरडी के खिलाफ जो नाराजगी है, एमएमआरडी के लोग भी इसमें बैठकर मध्य का रास्ता निकाल सकते हैं। जैसा कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉल पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो मॉल्स के अगर निर्माण से ये खुश हो सकते हैं तो वो भी किया जा सकता है। रास्ते बहुत हैं, इच्छा शक्ति चाहिए। हम ये बात एमएमआरडीए तक पहुंचा दे रहे हैं, अघाड़ी सरकार तक पहुंचा दे रहे हैं, इनकी भावनाएं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा। आपके पास भी अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना मेल एड्रेस नोट कर लें हमारा, apnashahr@saharasamay.com, apnashahr@saharasamay.com पर आप अपनी सुझाव अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि संबंधित लोगों तक हम आपकी बातों को पहुँचाएँ। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, सलमान को, अपना शहर की पूरी टीम को और यहाँ के लोगों की नाराजगी दूर हो इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। अपना शहर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सारा समय मुंबई सारा हमें।